2:54। तो अभी हम जा रहे कहीं पे, तो आपको मैं रास्ते में जाके बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो अभी फटफट रेडी होते हैं और रेडी होके आपको नीचे मिलते हैं, और नीचे आपको एक और साथी से मिलवाते हैं जो मेरा पुराना साथी है, और मैं उसको दिल से थैंक्स करता हूँ। तो मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और नीचे चल के ये बैग भी मेरा ओके का रिपोर्ट है। तो नीचे चल के आपको पूरी बात बताते हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों बाद चल रहे हैं। चलते हैं गाइस अपने राइड पे। तो आगे चल के आपको सारी बात बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो चल रहे हैं। हाँ, अब तो गर्मी आ जाएगी। गाइस पोपट हो गया मेरे साथ, और मेरे साथ नहीं, मुझे पता भी था ये रोड के बारे में, तब भी मैं इधर से ही आया। ये रोड अभी बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो बन रही, तो अच्छी बात है। तो मुझे दूसरे रास्ते से अब जाना पड़ेगा, तो चलते हैं अब इस रास्ते से। हाँ बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है गाइस। तो ये रास्ते से अब हमें चलना पड़ेगा। ओके तो सब फोर व्हीलर बाइक सब इधर से ही आ रहा है, तो चलते हैं गाइस। फ़ोन ना गिर जाए, हाथ से ही पकड़ा। हम पहुंच गए अभी फाटक पे, और देखो ट्रेन आने वाली है इसलिए फाटक बंद हो गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये तो ये देखो रोड भी बन रही है अभी। सेफ होता तो इसके कारण मैं सोचा, और पुलिस वाले भी देख के बोलता भाई इतना नाइट को कौन सा तुम्हें चुन मच गई वीडियो बनाने का, तो इसके कारण भी। तो गाइज चलते हैं, जैसे जो होगा मिलते हैं आपको वहीं पे। ओके हेलो गाइज, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइज आज मैं आया हूँ, अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी रास्ते में ही हैं। तो मैं जा रहा हूँ आज गाइज इंडिया गेट, वो भी अपने बिल्लों के साथ। तो बिल्लो नाराज़ भी हमसे, क्योंकि जब से केदारनाथ से आए हैं तो इसको लेकर के कहीं भी नहीं गए हैं, तो नाराज़ है ये। तो इसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो इसको कल ठीक करवा दिए, और अभी इसके कारण फिर आज हम इसको लेकर जा रहे हैं। और आप लोग भी बहुत दिन से बस दिल्ली का ब्लॉग देख रहे थे, बाइक से कहीं गया, तो आप लोगों को भी एक नया ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, वो भी अपने बिल्लों के साथ। तो फिर से वही अंदाज में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, क्योंकि अभी रोड पूरा खाली है, तो चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और इतने दिन बाद चला रहा हूँ, फिर अभी तो चला रहा हूँ, फिर कल इतना पाँव दुखेगा कि
पूछो ही मत। तो गाइज अभी जाने के लिए हम पूरी नाइट जगे हुए थे, और जगने का क्या, मैं टाइम पास कर रहा था मूवी देख करके कि कैसे 3 बजे और फिर मैं अपने बिल्लों को उठाकर सीधा चलूं। तो गाइज हम अभी आधे रास्ते से आगे पहुंच गए हैं, तो थोड़ी देर बाद हम वहां पे पहुंच जाएंगे और वहां का वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसा है। दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है गाइज। और पूरा रोड अभी खाली है ना, तो इसके कारण मज़ा भी आ रहा है चलाने में। और जब दिन में आने वक्त में पूरा रश हो जाएगा, भीड़ भरा के जो भी ट्रैफिक, तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसके कारण। और आज ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और हवा भी चल रही है, तो इसके कारण ज़्यादा ठंड है, तो हमें तो लग नहीं रही है क्योंकि इस पर तो क्या ही लगेगा ठंड। तो चलते हैं गाइज, और बने रहना हमारी वीडियो में अंत तक, और चलते हैं आपको वहाँ के भी वीडियो दिखाते हैं। हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा नए टूर के लिए, और बहुत जल्द हम लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो इसके कारण बिल्लों को फिर से वही अंदाज में लाना चाह रहे हैं और हम भी आना चाह रहे हैं। क्योंकि जब केदारनाथ गए थे तो एकाएक हम गए थे, तो हमें तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमें थोड़ा सहूलियत मिलेगी। तो चलते हैं गाइज, और ये रोड है, इसके ऊपर मैं मेट्रो के नीचे पे इधर लेके आ गया था, क्योंकि उधर बहुत ही आवाज़ आ रही थी, और यहाँ पे भी आवाज़ आती होगी, लेकिन इंट्रो यहाँ पे हम दे रहे हैं घर से जो आ रहे थे, तो घर में तो इंट्रो दिए ना। ये हनुमान जी की मूर्ति देखो इतनी बड़ी है। तो गाइज हम पहुँच गए हैं अभी शिपी यानी कनॉट पैलेस, तो दिल्ली का नामी गामी हस्ती है ये शिपी। तो यहाँ से बस 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं गाइज और दिखाते हैं आपको इंडिया गेट का लुक वाइज कैसा है। ओके, तो ये देखो इतना खाली सा लग रहा है अभी ये, और जैसे ये 7 बजे सुबह में देखोगे ना, तो यहाँ पे चलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किधर जाऊँ, और अभी कितना खाली लग रहा है, खाली क्या कोई है ही नहीं। और ये सुबह में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कनॉट पैलेस यही है क्या। हाँ ऐसा, तो चलते हैं गाइस फटाफट, पहुँचने वाले हैं अब हम। तो कुछ इस तरह का है व्यू कनॉट पैलेस का, तो आप देख सकते हो। और मैं अपने निरंतर साइकिल पे चल रहे हैं, और सामने देखो कितना अच्छा बिल्डिंग है। तो ये आप यहाँ पे आकर के भाड़े पे लेके चला सकते हो, मिनट के हिसाब से इसका पैसे हैं। तो जब इंडिया गेट आप आओगे, बस पास में ही है, इसके इस साइड है इंडिया गेट, तो बस 2 से 4 मिनट की दूरी पे है। ये सब इधर का ही है, तो इसके अंदर में आपको चलाने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जब आओ तो ये चला सकते हो आप। ओलू नाम है इसका, ओलू जनपद। जुकाम हो गया भाई साहब एक ही दिन में। तो देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइज, तो अभी पूरा सुनसान पड़ा हुआ है मंजर, और यहाँ पर मैं ही हूँ। और चलते हैं उधर से घूम करके, इंडिया गेट का आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं जूस भी लाया हूँ, जूस पी लेता हूँ थोड़ा सा। आ गया। तो ये मैं अभी नहीं लिया हूँ, मैं नाइट में ही खरीद के रख लिया था कि सुबह जाना है तो कुछ तो होना चाहिए ना सुबह सुबह पीने के लिए, तो यही मैंने ले लिया। और ठंड बहुत लग रही है गाइस, देखो इतनी ज़ोर से हवा चल रही है, इसके कारण ठंड ख़त्म हो गई थी दिल्ली में, लेकिन फिर से अब 2-3 दिन से इतनी ठंड हो रही है, हवा चल रही है तो ठंड भी हो रही है। तो मैंने गुआवा वाला लिया था, तो सही है मस्त।
गाइज हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट। आपको दिख रहा है क्या? वो सामने है इंडिया गेट। अभी वहां पे लाइट नहीं जल रही है तो दिख नहीं रहा होगा। बाकी यहां पे जो गार्ड है वो बोल रहा है भाई अभी मत जा, 6 बजे के बाद जाने दूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहां पे रुक जाता हूँ। बिल्लों को वहाँ खड़ी कर दिया है, ये देखो। और यहाँ पे लेकिन गाइस बहुत ठंड लग रही है यार। मैं तो सोचा था एक अंदर में एक टी शर्ट और ये पहन के आ जाऊँ कि और गर्मी लगने लगेगा। यहाँ पे देख रहा हूँ तो यार ठंडी ठंड लग रही है। इतनी दूर साइकिल चला के आए हो तो पर भी ठंड लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। ये तो बीच में फंस गया और दौड़ूँ भी कैसे दौड़ूँ यार। तो गाइस देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है। थोड़ा लाइटिंग हो जाती है और सुबह हो जाता है तो आपको और भी बेहतर दिखेगा यहाँ पे। तो बने रहो वीडियो में। तो गाइस वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है यार, देख रहे हो कितना दूर साइकिल चला के आए हैं। क्योंकि दिन में हमें कहीं जाना था, इसके कारण मैंने सोचा कि नाइट में सुबह में ही जा कर के वीडियो बनाऊँ। और उसके बाद ये हाँ यहीं पे है, यहीं पे साइकिल वहाँ लगा दी इधर। ये इधर, यहाँ बाहर ही लगाए, अंदर नहीं लगाए हो। यहाँ पे मैंने बोल रहे कितना लगा, यहाँ लगा दी। तो 6 बजे का बाहर नहीं, बाहर लू यहाँ लगाऊ लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं? तो 6 बजे का वेट करते हैं गाइस, देख रहे हो। बड़ा सनकी बंदा है यार बोल रहा भाई घास पे साइकिल लगाने वाली है। तो यार यहाँ पे घास है देखना मिट्टी पे लगाया हूँ इधर। बोल रहे भाई साहब, भाई ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, ओलू मिल जाएगा, रेत भी लगी है गाइस। अब 6 बजे का वेट करते हैं और इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं इंडिया गेट। तो क्या करें यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम इतना पहले ही आ गए। चलो कोई नहीं, ओके। तो गाइस देख लो ये इंडिया गेट और एक बैरियर और ये सेकंड बैरियर। तो इसके अंदर तो जाना नामुमकिन ही है और जाने देगा भी नहीं पुलिस वाले। वो सामने देख रहे हो खड़ी है गाड़ी। तो ये है कुछ इस तरह का व्यू और देख रहे हो ओलो वाले बंदे भी इधर ही खड़े हैं सब। 6 बजने के बाद ही ये वाला गेट खुलेगी, ये तो खुलेगी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो गाइस बिल्लों को यहीं छोड़ दिया, अब पता नहीं पुलिस वाले तो उसमें सो रहे हैं, पता नहीं कब खोलेगा गेट। तो वो लोग दो आए थे वो तो पता नहीं किधर से चले गए। मैं भी जा रहा हूँ फटफट वीडियो बना करके। लग रहा है भाई साहब तबीयत ख़राब ही हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है इसके कारण नाक से पानी भी आ रहा है। तो देखो अंधेरे होकर के हम जा रहे हैं, ये गेट इधर से गया। ये तो गर्म चल रहा है, फूल दोनों गए तो हैं अभी, गए हैं तो इसी में से निकल पाओ तो निकल जाओ। इधर से कहाँ निकला होगा, इधर से निकल गया भाई। भाई साहब वहाँ पे जो गार्ड था उसने बोला कि भाई 10 मिनट में खोलूँगा, 10 मिनट में खुल जाएगी। और वो दोनों वहाँ पे सामने दिख रहा होगा, लग रहा है पैसे वैसे दिया होगा गेट खोलने का। मैं गया हूँ तो बोल रहा भाई अभी नहीं खुलेगा। मैं कहा वो लोग कैसे चले गए, तो बोल रहा है इतना सा ये जगह है इसके अंदर। मैं कहा भाई पता नहीं क्या समझ लिया यार, मैं कहा गेट खोले होगे
दिखाया होगा नोट, तो फिर गेट खोल दिए होगे, तब गया होगा वो। कोई नहीं, चलते हैं 10 मिनट और रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, फिर बोल रहा है कि खुल जाएगी सब कुछ, तो फिर चलते हैं वहाँ तक, बिल्डों को लेकर के चलेंगे फिर। गाइज ये यहाँ का अंडरग्राउंड पार्किंग है, ये रोड सीधा रोड के अंदर से आगे पार्किंग में निकलेगी, तो यदि आप कार या बाइक या साइकिल से आओगे तो आपको पार्किंग वहाँ करना पड़ेगा। ये देखो कुछ लाइटिंग इस तरह के से है, ये साइड का भी कितना अच्छा है। नहीं पहले बोल रहा था 6 बजे खुल जाएगा, अब बोल रहा है कि भाई 6:30 बजे खुलेगा। घर में तो उतना ठंड नहीं लग रही थी, बाहर जैसे ही निकला रास्ते में इतनी तेज़ हवा चल रही है, और यहाँ पे तो देख रहे हो चारों तरफ सुनसान है, मतलब पूरा खुला खुला सा है, तो यहाँ पे तो और भी ठंड लग रही है। इंडिया गेट फर्स्ट बार साइकिल से आया हूँ इधर, तो ऐसा है कुछ नज़ारा, भाई सब हालत ख़राब हो रही है। तो ये फूल के बगान देख लो आप लोग, तो देखो कुछ इस तरह का है नज़ारा। हो गई है सुबह, तो चलते हैं आप घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत ठंड है गाइस, बहुत मेहनत हुआ है, तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, ओके।